स्वागत है। पाली के सुमीरपुर से विधायक जोराराम कुमावत से सीएम अशोक गहलोत, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कोरोना संक्रमण को लेकर जानकारी ली और साथ ही प्रशासन की ओर से क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों को भी जाना। इसके अलावा जरूरतमंद लोगों तक खाना पहुंचाने के निर्देश दिए गए। वहीं इस दौरान विधायक जोराराम कुमावत ने गहलोत, राजे और केंद्रीय मंत्री शेखावत को ये बताया कि सुमेरपुर में कोविड-19 के रोकथाम के लिए पुख्ता व्यवस्था की गई है। चिकित्सा विभाग भी संक्रमण के रोकथाम के लिए लगातार जुटा हुआ है और इसके अलावा भगवान महावीर अस्पताल में क्वारंटीन की व्यवस्था की गई है। साथ ही विकट परिस्थितियों से निपटने के लिए 7 आइसोलेशन सेंटर्स को भी चयनित किया गया है। हमारे कार्यकर्ता तुलसाराम जी ने मुझे फोन किया कि वहाँ कोसीलाब जीएसएस में कई बार फोन करने के बाद में भी फोन नहीं उठा रहे, इसलिए मैं जीएसएस पे आया और जीएसएस पर आने पर मुझे मालूम हुआ कि यहाँ तो जो कर्मचारी है वो कमरे में दारू पिए हुए पड़े हैं और पास में दारू की बोतल पड़ी है। और फिर उसने जयन से फोन पे संपर्क किया। जयन साहब ने बताया कि ये तो ठेकेदार के कर्मचारी है और हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो मेरा कहना है कि ऐसे पहले तो वो गांव वाले सुबह से लाइट के लिए पीड़ित थे। जयन की जिम्मेदारी बनती है कि वो समय पे उनकी लाइट चालू रखे। ऐसे कोरोना वायरस में लोग घरों के अंदर लॉकआउट है और लाइट काट देता है, ये इनकी गलत कोरोना